हैं। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मैंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। गोदियाल ने कहा कि मैं परिणाम के दिन ही इस्तीफा देना चाहता था, पर हाईकमान के आदेश की प्रतीक्षा पर रुका हुआ था। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने जो इस्तीफा दिया है रोहित, वो कहीं ना कहीं लगातार अब ये बता रहे हैं कि उनके इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस की स्थिति ठीक हो जाएगी क्या। लगातार रोहित हमारे साथ बने हुए। रोहित, जिस तरीके से ये जो इस्तीफा दिया गया है, अब इसके बाद कांग्रेस की स्थिति सुधर सकती है या किसी और को जिम्मेदारी दी जाएगी, क्या लग रहा है? बिल्कुल देखिए, अगर हम कांग्रेस संगठन की बात करते हो, खासकर प्रदेश स्तर की, तो जो गणेश गोदियाल प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, हालांकि अब वो पूर्व हो गए कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, उनके कार्यकाल को भी 8 महीने का ही वक्त हुआ है, क्योंकि चुनाव से करीब 8 महीना पहले गणेश गोदियाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। और जो प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं नेता सेतम सिंह, उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था। तो कुल मिलाकर देखें, अगर हम इन सब चीजों पर गौर करते हैं, तो कहीं ना कहीं संगठन के लिहाज से देखें तो उनको 8 महीने का ही कार्यकाल हुआ है और उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ, जिसके चलते वह चुनाव नहीं जीता पाए, लिहाजा उन्होंने अपनी इस बात को भी माना कि वह चुनाव जिताने में नाकाम रहे। हालांकि इससे पहले भी उन्होंने आलाकमान से बातचीत किया था, आलाकमान से पूछा भी था उन्होंने कि क्या मैं इस्तीफा दे दूं, लेकिन आलाकमान ने कोई उन्होंने निर्देश नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल आप अपने कार्यकाल को जारी रखें। लेकिन फिलहाल जब कल सोनिया गांधी की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया गया और पांचों राज्य, जहां जब कांग्रेस हरियाणा, पांचों राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों को इस्तीफा देने के लिए निर्देशित किया गया। पूरा जो इस्तीफा में जो हमने मैटर पढ़ा है, वो जो साफ तौर पर उन्होंने लिखा है कि इस हार की जिम्मेदारी वो नैतिकता के तौर पर खुद ले रहे हैं सारी जिम्मेदारी। बिल्कुल, उन्होंने यही कहा था कि सबसे पहले जो सामने निकल के आया था कि हरीश रावत ने अपनी जो हार की जिम्मेदारी खुद अपने कंधों पर लिया, फिर गणेश गोदियाल ने अपने कंधों पर लिया। और इसी क्रम में बात करें, जो प्रदेश के साथ प्रभारी दीपिका पांडे हैं, उन्होंने भी हार की जिम्मेदारी लेते हुए अपने दोनों पदों से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि वो राष्ट्रीय महासचिव भी हैं और प्रदेश की जो प्रदेश प्रभारी सह प्रभारी रही हैं, उन दोनों पदों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो वहीं से ही शुरू हो गया था कि कांग्रेस में अब इस्तीफे का दौर शुरू हो गया है। और इसके बाद से अब गणेश गोदियाल ने भी इस्तीफा दे दिया है। कहीं ना कहीं हालांकि गणेश गोदियाल से इस्तीफा मांगा गया है, लेकिन फिलहाल चर्चा यह है कि उन्होंने कहा है कि नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अब एक नए संगठन, यानी कि कह सकते हैं फिर से नई कार्यकारिणी गठन होगा, कौन प्रदेश अध्यक्ष होगा, अब एक बड़ा सवाल यही रहेगा। लेकिन फिलहाल जब दिल्ली में जो कांग्रेस के संगठन की स्थिति है, वह स्थिति स्पष्ट होने के बाद, यानी वहां से मजबूती मिलने के बाद, जो है प्रदेश में जो है कांग्रेस संगठन की नई कार्यकारिणी, चुनाव हारने के बाद पूरी तरह से जो कांग्रेस में हाहाकार मचा है, उसका कहीं ना कहीं खामियाजा अब गणेश गोदियाल को भी भुगतना पड़ सकता है। उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, कोई और अब बड़ा नाम सामने आ रहा है जो प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है, या अभी प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं ढूंढ पा रही है कांग्रेस? देखिए बिल्कुल, अभी इस्तीफा कल दिया गया है, अब इस्तीफा जब पांचों राज्यों का हो जाएगा, उसके बाद से जो संगठन है, यानी कि जो कांग्रेस की अलग, बिल्कुल उसमें वक्त लगेगा प्रक्रिया में, लेकिन अगला प्रदेश अध्यक्ष कोई और हो सकता है, क्या नाम हो सकता है? देखिए अभी फिलहाल ऐसी कोई चर्चाएं सामने निकल के नहीं आए कि अगला प्रदेश। चलिए, बहुत शुक्रिया रोहित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी।